What's up everyone, welcome back to the channel. तो before we proceed to term 2, मेरे पास continuously कुछ questions आ रहे थे, कुछ queries आ रही थी, तो I thought कि ठीक है, मैं इनको address करता हूँ पहले, फिर हम लोग term 2 की preparation शुरू करते हैं. Term 2 का already मैंने plan बनाना start कर दिया है, एक proper schedule, एक proper routine आप लोग के लिए बना दिया है for YouTube, जो कि आपके पास आ जाएगा within next 1 or 2 days. But before that, let me address some of your common problems, या जितनी चीजें बच्चों के mind में चल रही हैं regarding term 2, let me discuss with you all in this video. तो चलिए फिर जल्दी से लेट्स बिगिन. तो शुरू करते हैं हम लोग कुछ कॉमन चीजों के साथ. मैंने यहां पे लिखी है टर्म टू में कुछ कॉमन इश्यूज, कुछ कॉमन क्वेश्चंस जो बच्चों ने मेरे से पूछे, तो मैंने सोचा क्यों ना एक कंप्लीट वीडियो पे ही आप लोगों को मैं जवाब दूं, क्योंकि इंस्टाग्राम पे मुझे मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस यही आ रहे थे. इंस्टाग्राम पे अगर आप लोग कनेक्टेड नहीं हो तो स्टे कनेक्टेड, फॉलो करो या ना करो, मैसेज कर दिया करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. आप लोग का मैं पढ़ लेता हूँ और कोशिश करता हूँ कि मैं रिप्लाई करूँ. रिप्लाई नहीं कर पाता तो मैं वीडियो में उस चीज़ को कवर करता हूँ. नंबर वन, सबसे पहला, इज द कोर्स टू मच? क्या टर्म टू में कोर्स हमारे पास बहुत ज्यादा है? अगर मैं अपने तीनों सब्जेक्ट्स की बात करूं तो अकाउंटेंसी में मेरे हिसाब से कैश फ्लो स्टेटमेंट और एनपीओ दो आपके बड़े चैप्टर्स हैं, दैट विल बी टाइम टेकिंग चैप्टर्स. बाकी ऐसा बहुत ज्यादा सिलेबस नहीं है. ठीक है, मॉडरेट है, ना कम है ना बहुत ज्यादा है, मॉडरेट है. आप लोग डेफिनेटली कर चुके हो और कर सकते हो. आप ये चीज अपने माइंड में मत लाना कि कोर्स बहुत ज्यादा है, हो जाएगा नहीं हो जाएगा, 100% हो जाएगा और बहुत अच्छे से हो जाएगा. तो ये चीज अपने माइंड से हटाओ कि कोर्स बहुत ज्यादा है. नहीं, अपना मोटिवेशन लेवल डाउन मत रखो, कोर्स मॉडरेट है, हो जाएगा. नंबर टू, एग्जाम डेट्स. एग्जाम कब होने के चांसेस हैं? तो देखो, जहां तक मुझे लगता है, जहां तक मेरी माइंडसेट है, जहां तक मैं सोच पा रहा हूं, या जितने टीचर्स के मैं टच में हूं, मैं जितना सीख पाता हूं, एग्जाम्स आपके अप्रैल मई में होने चाहिए. अप्रैल में या अप्रैल लास्ट और मई के बिगिनिंग में कुछ ऐसा होगा. आपको कंप्लीट जनवरी, फेब, मार्च और अप्रैल के भी 15 डेज आई थिंक प्रिपरेशन के लिए मिल जाएंगे, और उसके बाद एग्जाम डेज में जो टाइम मिलता है वो मिलता ही है. तो ये भी आपका स्टडी प्लान अगले 4 से 5 महीने का है, 4 to 5 months का है. आप बिल्कुल भी माइंड में मत रखो कि 2 months का है. आराम से करो, कोर्स टाइमली पूरा करो, फेब एंड तक, जनवरी और फेब में 2 months में हो जाएगा. उसके बाद फिर रिविजन करो अपने अच्छे से. तो चीजें प्रॉपरली एग्जीक्यूट अगर करोगे विद अ गुड प्लान, प्लान मैं दूंगा, चिंता मत करो, हो जाएगा. नेक्स्ट इज एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है, सबसे बड़ा सवाल. अभी के लिए फॉर नाउ आपको कुछ भी स्किप नहीं करना है. यू आर नॉट गोइंग टू स्किप MCQs, ये बात समझ लो. आपको 1 marker स्किप नहीं करने, आपको सब्जेक्टिव भी पढ़ना है, आपको ऑब्जेक्टिव भी पढ़ना है. लास्ट मोमेंट पे, अब तुम्हें पता है कि कुछ भी होता है, तो लास्ट मोमेंट पे ऐसा हो सकता है कि ये कहा जाए कि बेटा जी अब तो पेपर ऑब्जेक्टिव ही होंगे, MCQ ही होंगे. तो तुम लोग को अपना प्रिपरेशन इस तरीके से रखना है कि फोकस ऑन कॉन्सेप्ट्स, कॉन्सेप्ट्स बनाओ. मैं जितनी स्लाइड्स बना रहा हूँ इसी तरीके से बना रहा हूँ कि सब कुछ कवर हो जाए. मेरे जितने ऑनलाइन कोर्सेज होंगे सब में सब चीज़ें कवर होंगी, जो यूट्यूब लेक्चर्स होंगे सब में सब कुछ कवर होगा. तो टेंशन लेने वाली बात ही नहीं है, घबराना नहीं है. प्रॉपर प्लानिंग के साथ प्रिपेयर करो, टर्म टू फर्स्ट डे से पढ़ाई करो, लास्ट मोमेंट पर मत लेके जाना. जो भी गलतियां टर्म वन में हुई हैं उससे सीखना है और आगे बढ़ना है. अपने लिए काम करो, नेवर एवर कंपेयर योरसेल्फ विद एनीवन एल्स. खुद को किसी और से कभी भी कंपेयर मत करो. यू ऑल आर स्पेशल, आप सब अपने आप में अलग हो, आप सब स्पेशल हो. खुद मेहनत करो, अपने आप को बनाओ. ठीक है, पैटर्न कुछ भी रहे, हमें अभी सब पढ़ना है. इसके बाद हाउ टू स्टडी, कैसे पढ़ना है, क्या सिस्टम रखना है. तो देखो, जो आपको सब्जेक्ट्स वीक लगते हैं उन्हें डेली बेसिस पे 1 से 1.5 घंटा सेल्फ स्टडी का दो, अदर देन योर होमवर्क, अदर देन योर क्लास वर्क. जो भी आप पढ़ाई करते हो 1 से 1.5 घंटा सेल्फ स्टडी जरूर करनी है, तभी वो आपका स्ट्रांग बनेगा. जो आपके वीक पॉइंट्स हैं उन्हें कवर करते चलो, और सेल्फ स्टडी पे बहुत ध्यान देना, क्योंकि दिस इज टर्म टू और यहाँ पे आपके पास ये फाइनल मौका है. इसके बाद 12th के एग्जाम्स नहीं होंगे, तो टर्म वन में अगर कहीं कमी भी रही है तो टर्म टू में कवर कर सकते हो. दिस इज अ वेरी गुड थिंग. ठीक है, अब क्या क्या चीजें हैं जो आपको याद रखनी है, कैसे आप प्लान कर सकते हो. जस्ट मेक अ गुड स्केड्यूल. सबसे पहले तो एक अच्छा सा टाइम टेबल, एक अच्छा सा शेड्यूल बनाओ कि मुझे वीक में कितने दिन स्कूल जाना है, कितने दिन सेल्फ स्टडी करनी है, सुबह कौन सा सब्जेक्ट करना है, इवनिंग में कौन सा सब्जेक्ट करना है, सो दैट लास्ट तक मुझे कोई प्रॉब्लम ना आए. ठीक है, ये माइंड में सेट रखो कि फेब के एंड तक कोर्स खत्म करना है. ठीक है, अगर अच्छा स्कोर करना है तो फेब के एंड तक कोर्स खत्म करना है. राइट, उसके बाद फॉरगेट अबाउट टर्म वन. टर्म वन में जो बीत गया सो बीत गया. ठीक है, दो चीजें मैं हमेशा बोलता हूँ, बीत गया सो बीत गया और अभी नहीं तो कभी नहीं. राइट, अभी अगर नहीं पढ़े तो कभी नहीं पढ़े. ठीक है ना, अच्छे से शुरू करो. आप टर्म वन को भूल जाओ,
स्टार्ट प्रिपेयरिंग योर टर्म टू और एक नए एनर्जी के साथ, बिल्कुल फ्रेशनेस के साथ, एक नए एंथुसियाज्म के साथ शुरू करो और बिल्कुल टर्म टू के लिए अपना 100% दो फ्रॉम द वेरी फर्स्ट चैप्टर। इसके बाद लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स, जो भी आपने पीछे गलतियां करी हैं कि यार हमने लास्ट टाइम रिवीजन करा था, नहीं हो पाया, लिख के नहीं देखा, मिस आउट हो गई चीजें, अकाउंट्स प्रॉपरली कमी रही, अकाउंट्स अच्छे से करो, तो अपनी गलतियां देखो, पहले उसको लिख लो, पेन डाउन कर लो और फिर उन गलतियों को रेक्टिफाई करो। इंसान वो गलत नहीं है जो गलती करे, गलती सबसे होती है, इंसान वो गलत है जो गलती से सीखे ना। तो गलती होना जेन्युइन सी बात है, हम इंसान है, सभी से गलती होती है, अगर आप उससे सीख नहीं रहे हो तो फिर आप अच्छे इंसान नहीं हो। तो मिस्टेक्स करनी इज नॉट रॉन्ग, मिस्टेक्स से ना सीखना इज वेरी रॉन्ग, तो सीखो और आगे बढ़ो। इसके बाद मेक रीडिंग राइटिंग हैबिट्स, लिखने की पढ़ने की आदत डालो। धीरे 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 किसी भी हैबिट को बनने में 21 डेज लगते हैं, 21 दिन लगते हैं किसी भी हैबिट को डेवलप करने में, तो रीडिंग हैबिट्स डेवलप करो। आई रियली वॉन्ट कि आप लोग अपनी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पे काम करें, अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स पे काम करें, कॉम्पिटिटिवस की प्रिपरेशन साथ साथ थोड़ा थोड़ा आप लेके चलो, क्योंकि फर्दर कॉम्पिटिटिवस भी अप्रोच कर रहे हैं। बहुत सारे करियर ऑप्शंस के लिए मैं अपने दूसरे चैनल पे रजत अरोड़ा टॉक्स पे भी वीडियोस डालता हूँ, तो अगर आपने वो चैनल अभी तक नहीं देखा है तो देख लो, सब्सक्राइब कर लो। उस पे भी अब आपसे रिलेटेड टू पर्सनालिटी डेवलपमेंट, रिलेटेड टू कम्युनिकेशन स्किल्स, रिलेटेड टू वेरियस कोर्सेस, बहुत सारी वीडियोज मैं दोबारा से लेके आऊंगा, क्योंकि अब टाइम हो चुका है उन चीज़ों को अपलोड करने का, तो वहाँ आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। इन सब चीज़ों के बारे में सोच के चलो, क्योंकि हमें सिर्फ अच्छा कॉलेज नहीं लेना, हमें अच्छा करियर बनाना है, फिर एक अच्छा फैमिली में एक अच्छी लाइफ सस्टेन करनी है, तो ये सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप पॉसिबल हो पाएंगी। उन सब चीज़ों के बारे में सोचो, प्लानिंग करना शुरू करो, यू आर मैच्योर इनफ, ठीक है। देन डू नॉट स्किप MCQs, MCQs बिल्कुल भी स्किप नहीं करने, मत स्किप करना, गलती हो जाएगी अगर MCQ स्किप करोगे। अच्छे से पढ़ाई करो, MCQs को साथ साथ प्रिपेयर करके चलो, और प्रिपेयर करने के बाद फिर बहुत अच्छे से आप लोग चीज़ें कर पाओगे। छोड़ना मत, सब्जेक्टिव भी पढ़ना, ऑब्जेक्टिव भी पढ़ना। अभी बहुत सारे बच्चे गलती करेंगे, कहेंगे MCQ तो आना ही नहीं है, अरे भाई नहीं पता CBSE का, लास्ट मोमेंट चेंज कर देते हैं, तो आपको MCQs भी पढ़ने हैं, राइट। मोटिवेशन लेवल हाई रखो, आप सभी बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो अगर आप फर्स्ट डे से पढ़ रहे हो, पहले दिन से, दिस इज जस्ट अ न्यू बिगिनिंग, इसका बेस्ट पॉसिबल वे में यूटिलाइजेशन करो और जितना हो सके अच्छे से प्रिपेयर करो और टर्म टू में हाईएस्ट स्कोर करके आओ। तो ये सारी चीजें तुम्हारे से करनी थी, ये सारी बातें आप लोगों से करनी थी, और बहुत सारी बातें करूंगा अदर देन योर एकेडमिक्स ऑन माई सेकेंड चैनल, तो उसको भी एक बार देखना जरूर। मैंने बहुत कुछ ऑलरेडी अपलोड करा है, सब्सक्राइब करना, लोगों के साथ शेयर करना, और मुझे बताना इसके वीडियो के कमेंट सेक्शन में कि व्हाट एल्स यू वांट, क्योंकि एकेडमिक्स तो मैं डाल ही दूंगा, अदर देन एकेडमिक्स क्या इश्यूज आप लोग फेस कर रहे हैं, क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, दिमाग में क्या चल रहा है, क्या तुम लोग सोच रहे हो रिगार्डिंग योर करियर, रिगार्डिंग योर लाइफ, कुछ और इश्यूज अगर आप लोग फेस कर रहे हो, इवन यू कैन मेल मी टू, मेरा मेल एड्रेस है rajatarora1616@gmail.com, आप उस पर मुझे मेल भी कर सकते हैं, मैं डेफिनेटली मेल चेक करके और relating to your problems videos definitely banaunga on my second channel. Thank you so much everyone for watching this video. I hope this video helped you somewhere, or definitely it will add some value to your life. Do share it with your friends so that it can add value to their lives as well. Aur hum log fir shuru karenge apna academics on this channel aur personality development other things on that channel, Rajat Arora Talks. Thank you so much everyone, take care, bye bye. Apna dhyan rakhiye, apni families ka dhyan rakhiye aur mehnat karte rahiye. Thank you.